अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अकबर, देखिए जिंदगी के सारे अधूरेपन एक तरफ और प्यार का अधूरापन एक तरफ होता है। मीरा को जितनी आपकी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा ना आपको उसकी जरूरत है। ऐसे सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना भाई। प्लीज प्लीज मीरा को अपना लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। हम तो नहीं करते ना उससे प्यार, और नहीं कर सकते। प्रज्ञा प्लीज, ये प्यार का कोटा ना खत्म हो चुका है हमारे अंदर से। ना तो प्यार हमें किसी को देना है और ना लेने की हिम्मत है। इसलिए ना अपने काम से काम रखो, जो हो रहा है उसे होने दो, हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। समझ में आई ना बात? बस ये सब आसान नहीं होगा। कैसे आप किसी और की बनकर रहेंगी जब हर वक्त आपका प्यार आपके सामने होगा? रोज अपने प्यार का गला कैसे घूटेंगी आप? आपको रोज अपने टूटे हुए सपने अपने नजरों के सामने दिखाई देंगे। आपके जख्म चाहकर भी कभी आप भर नहीं पाएंगी। जीना मुश्किल हो जाएगा दीदी, समझिए इस बात को। तुम सही कह रही हो बिट्टू, हमें इस बात का हल निकालना ही होगा। हमें पार्थ से बात करनी ही होगी। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे। बहुत तमाशे हो गए हैं तुम्हारे पार्थ, और आज तो तुमने हद ही कर दी है। खुद बर्बाद हो ना, हाँ? इसलिए मेरी बसती हुई जिंदगी और खुशियां देखी नहीं जा रही तुमसे, है ना? तो बेहतर होगा ना तुम हमारी शादी में आओ और ना ही शादी के किसी फंक्शन में। अपनी मनुष्य शक्ल लेके कहीं दूर चले जाओ। समझ में आ रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें आप में, आपकी शादी में, आपकी उस मीरा में। बस आए आप अपना घर। अरे हमने तो आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी, ये गैर मौजूदगी तो बहुत छोटी चीज है। कुछ और भी चाहिए ना, वो भी मांग लीजिए। बड़े आप हैं, लेकिन हमेशा की तरह बड़प्पन हम निभा कर चले जाएंगे। निश्चिंत रहिए। लल्ला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? दादी बाहर जा रहे हैं, हमारा वॉलेट नहीं मिला है। आपने देखा है क्या कहाँ है? बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और ऊपर से बहुत लेट भी हो रहे हैं हम। देर तो तुम्हें हमेशा होती है समझने में, पर इस बार देर करने का वक्त नहीं है हमारे पास। लल्ला, अगर मीरा की शादी होगी ना तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लल्ला, तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? अगर मीरा की शादी हो गई तो तुम्हारा और मीरा का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता है ही तो बदलेगा क्या? बैठो, हमारी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता मीरा का प्यार, उसका पागलपन, उसकी दीवानगी? क्या नजर नहीं आता कि मीरा तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है? नहीं नजर आता। और दादी, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है।
देखो लैला, हमेशा हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर बात को समझने की कोशिश की, तुम्हारा पक्ष लिया, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम गलत हो। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए और मीरा के लिए सही नहीं है। लैला कुछ भी हो जाए, मीरा को शादी करने से रोक लो। दादी कैसी बातें कर रहे हो आप? हम क्यों मना करें? नहीं, हम होते कौन है? और वैसे भी वो समझदार है, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ना। हमने कहा उसे शादी करने के लिए, अपनी मर्जी से कर रही है वो, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया उसके साथ। नहीं जानतो ये शादी वो क्यों कर रही है? हम भी देखना चाहते हैं कि तुम प्यार के नाम पे प्यार को कुर्बान कर सकती हो या नहीं। कर भैया से शादी कर लो और दो अपने प्यार की परीक्षा। दादी हमें ना इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी गौरव भैया को पता चल गया ना तो बवाल कर देंगे। पहले इस घर में बहुत तमाशे हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि ये शादी वाले माहौल में कोई और तमाशा हो, हमसे सहन नहीं होगा दादी। लैला रुको, मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ पीवी, इतना डर क्यों रही हो? अच्छे से जानती हो ना तुम अपने प्यारे पति को, तो ऐसा काम क्यों करती हो उसे अपसेट करने के लिए? हमने किया क्या? घड़ी घड़ी याद दिलाए तुम्हें कि क्यों आई हो यहाँ, या लातों की भूत हो गई हो कि जब तक पिटाई नहीं होती तो काम नहीं होता तुमसे। अब प्लीज यहाँ पे ऐसा कुछ मत करें। बाप से पैसे क्यों नहीं मांग रही हो अभी तक? मौका देके आप कह देंगे पापा से, पर आप प्लीज अभी के लिए ऐसा कुछ मत करें जिससे मुश्किल हो जाए। करते नहीं हम किसी के बात से, समझी? तुम्हारे भाई के बारात में नाचने नहीं आया, पैसे वसूलने आए। जल्द से जल्द पैसे मांगो, नहीं तो सबको असलियत बता देंगे तुम्हारी। नहीं, समझ रही हो ना? हम कहते उसे जल्दी, नहीं तो अगर हमारा मुंह खुला तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। समझ रही हो ना? जी, हम कहते वापस। क्या हो रहा है सब? आप क्यों कर रहे हैं? हम उठाते ना। अरे कोई बात नहीं, तुम रखो मैं रखूं, एक ही बात है भाई। वो प्रज्ञा वास को यहां से वहां रख रही थी उठाकर, हाथ से छूट गया और गिर गया। ठीक होना, चोट तो नहीं लगी ना? आपकी लाडली बहन की शादी तो हो गई पर अभी भी बच्ची है वो। हमने भी उसे बड़ा होने नहीं दिया, हमेशा कहते रहते काम मत करो मत करो। मैडम सुनती कहाँ है? ध्यान रखो। ये भाइयों वाला रक्षाबंधन ना सिर्फ ये घर में चलेगा, समझी? लौट के तो तुम्हें हमारे पास ही आना है। तुम्हारा ये सब बंधन बंधन कुछ नहीं चलने वाला।
चलेगी तो सिर्फ हमारी रस्सी, समझ रही हो ना? दीवानी सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।